अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया। ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। फिर वही हुआ, फिर वही अंदाज नजर आया, फिर वही हमले हुए। नया था तो हलवे का जिक्र भी और उसे बांटने की फोटो। सोमवार को लोकसभा में संसद सत्र के छठवें दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 45 मिनट का भाषण दिया। राहुल गांधी केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट पर बोले, लेकिन अंदाज वही नजर आया जो इससे पहले आहूत हुए संसद सत्र में उन्होंने दिखाया था। एक बार फिर से उन्होंने डर की बात की, हिंसा की बात की, वही बात जो इससे पहले आहूत हुए संसद सत्र में जब वे नए नए नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाले थे तब उन्होंने दिखाई थी और की थी। यानी राहुल गांधी के इस भाषण में आक्रामकता के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, किसानों, मिडिल क्लास, बेरोजगार युवाओं सबकी बात थी। पिछली बार की तरह हिंसा और डर के साथ इस बार राहुल गांधी ने चक्रव्यूह की भी बात की है। हालांकि पिछली बार उन्होंने भगवान शिव, गुरु नानक देव समेत कई तस्वीरें लोकसभा में लहराई थी। इस बार वो तस्वीरें तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरी तस्वीर उन्होंने दिखाई। वो तस्वीर थी हलवा पार्टी की। क्यों दिखाई गई ये तस्वीर, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बात राहुल गांधी ने संसद में क्या क्या कहा उसके करते हैं। दरअसल बजट सत्र चल रहा है और सत्र में बजट को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर बोलते हुए सनातन धर्म का छौंका भी लगाया, ठीक उसी तरह से जैसे कि उन्होंने पिछली बार किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने इस बार बजट को केंद्रित करते हुए महाभारत काल तक पहुंचा दिया, चक्रव्यूह अभिमन्यु तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया और वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है। इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं, यानी कि उनके निशाने पर सत्ता पक्ष के साथ साथ बीजेपी भी साफ तौर पर नजर आई। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। अपने करीब 45 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी का पोस्टर लहराया, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना सिर पकड़ लिया। सरकार पर सबसे बड़ा हमला राहुल गांधी ने मिडिल क्लास का जिक्र करते हुए किया। कहा कि कोविड के समय जिस मिडिल क्लास ने थाली बजाई और मोबाइल की लाइट भी आपके कहने पर जलाई, उसी मिडिल क्लास की छाती में छुरा और पीठ में खंजर भोंका गया है। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी। इसके बाद जब बजट पर राहुल गांधी बोलने लगे तो उन्होंने हलवा पार्टी की तस्वीर दिखाई और कहा कि देश में तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, ये मुख्य शक्ति हैं, लेकिन इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती। इतना ही नहीं, इस पोजो के बारे में राहुल ने कहा कि इसमें बजट का हलवा बट रहा है, इसमें एक भी आदिवासी, दलित या पिछड़ा अफसर नहीं दिखाई दे रहा है।
20 अफसरों ने बजट तैयार किया, हिंदुस्तान का हलवा 20 लोगों ने बांटने का काम किया। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सर पीट लिया। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। इसके बाद राहुल गांधी जाति जनगणना पर भी आए, ठीक उसी तरह जैसे इससे पहले हुए संसद सत्र में उन्होंने गुजरात में जीत दर्ज करने का कॉन्फिडेंस दिखाया था, वैसे ही इस बार उन्होंने जाति जनगणना को हाउस में पास कराने का भी कॉन्फिडेंस दिखाया है। 95% जनता के बारे में जिक्र कहा किया कि जानना चाहती है कि हमारी भागीदारी कितनी है, इसे बांटता कौन है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जाति जनगणना से देश बदल जाएगा। वित्त मंत्री मुस्कुरा रही हैं और ये हंसने की बात नहीं है। राहुल गांधी ने ये सब कहा, उन्होंने ये भी कहा कि आपने ये जो चक्रव्यूह बना रखा है उसे हम तोड़ने जा रहे हैं और जाति जनगणना इस हाउस में हम पास करा के रहेंगे। मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं। क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग। और बांटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख, फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। सर आपको, सर ये जो कमल सर जो पद्मव्यूह वाले हैं, उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है सर। जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है, ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। वैसे आपको याद होगा कि हाल ही में राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान एक मोची से भी मुलाकात की थी और उसे भरोसा दिलाया था कि वे संसद में उनकी आवाज़ को उठाएंगे। उन्होंने अपने भाषण में यही किया भी। राहुल गांधी ने न केवल मोची बल्कि बढ़ई का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने MSP को लेकर भी ठीक वही अंदाज दिखाया जैसा कि जाति जनगणना पास कराने को लेकर उन्होंने दिखाया था। भले ही वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि किसान MSP की मांग कर रहा है और हमें ये लगता था कि सरकार बजट में इसका प्रावधान करेगी ताकि जो किसान चक्रव्यूह में फंसे हैं वे निकल पाते। लेकिन जब आपने नहीं किया तो मैं यहाँ इंडिया ब्लॉक की तरफ से गारंटी दे रहा हूँ कि हम इस सदन में पास करके इसे आपको देंगे। यानी कि बात किसान की हो, जाति जनगणना की हो, मिडिल क्लास की हो, बेरोजगार युवाओं की हो, अपने भाषण में राहुल गांधी ने हर मुद्दे को छुआ भी, उठाया भी। हालांकि उन्हें स्पीकर ने कुल 4 बार इस दौरान टोका भी। पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो,
मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको एक रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए एक रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। उसके बाद सर, जो अन्नदाता हैं, वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए, जो आपने बनाया तीन काले कानून, जमीन अधिकरण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, दो चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी दे। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है। सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं, उसके बारे में टिप्पणी ना करें। वहीं अपने भाषण के आखिर में राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों को एक अलग कैबिन में ही केंद्रित करने का मुद्दा भी उठाया। मीडिया वालों को आपने पिंजरे में बंद कर दिया है और उनको बाहर निकाल दीजिए सर, उन्होंने ये कहा। इसके बाद ओम बिरला ने कहा कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं और इसीलिए नियम प्रक्रिया को अच्छी तरह से आपको पढ़ना चाहिए। व्यवस्था पर कोई भी सदस्य टिप्पणी नहीं कर सकता है, ये व्यवस्था अध्यक्ष की होती है। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये बेचारे मीडिया वाले हैं। जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने कहा कि वे बेचारे नहीं हैं। बाद में ओम बिरला ने राहुल गांधी से ये भी कहा कि सदन की किसी भी व्यवस्था के मामले को लेकर आप मुझे मेरे कक्ष में आकर मिलें, लेकिन सदन के अंदर सदन की व्यवस्थाओं को लेकर प्रश्न नहीं उठाए जाने चाहिए। आपसे मेरी ये अपेक्षा है, आपसे आप सदन, एक मिनट प्लीज, आप सदन के नेता, सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर, इसलिए आप जो विषय रखे वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर, सर मगर मैं ये कैसे कहूँ इन लोगों के, इनका इंडिकेशन कैसे दूँ मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। हालांकि इससे पहले जब नई सरकार बनने के बाद संसद सत्र आहूत हुआ था, तब भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर एक के बाद एक कई वार किए थे, हमले किए थे, डर और हिंसा का भी खूब जिक्र किया था। और तब उसके अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया था और कहा था कि बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है, बालक बुद्धि को कुछ समझ नहीं आता है। देश ने सदन में बचकानी हरकतें देखी हैं, यहाँ बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था, सहानुभूति हासिल करने के लिए यह ड्रामा चला गया है। देश जानता है कि हजारों करोड़ के हेरफेर मामले में जमानत पर कौन बाहर है। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं। अब देखना होगा इसके बाद क्या जवाब राहुल गांधी की तरफ से, आज जो संसद के अंदर बात कही गई उस पर क्या जवाब निकलकर सामने आता है।